नसुलगंज में अतिक्रमण पर फिर चला पीला का पंजा। नसुलगंज प्रशासन ने इंदौर रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए नपती कर 45 फीट पर निशान लगाया, जिसके बाद नसुलगंज गोपालपुर थाना सहित आसपास के थानों से पुलिस बल व नगर परिषद की मदद से अतिक्रमण हटाने की मुहिम को चलाया गया, जिसमें सर्वप्रथम इंदौर रोड नाले पर बने अतिक्रमण पर जेसीबी की मदद से पवार कृषि सेवा केंद्र द्वारा 3 मंजिला बिल्डिंग के कुछ हिस्से के साथ इंदौर रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटाया गया। जिस प्रकार कांग्रेस के सत्ता में काबिज होने के बाद पूरे प्रदेश में भूमाफियों के खिलाफ अवैध भवनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उससे भूमाफियों में हड़कंप मची हुई है। बीजेपी सरकार में कई बार भूमाफियों की दुकान पर निशान लगाने व चेतावनी देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा, जिसके फलस्वरूप अतिक्रमण का जाल पूरे नगर में फैल गया। कमलनाथ सरकार में जिस तरह अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है, जिसके कारण सारे भूमाफियों में भय की स्थिति निर्मित हो गई है। कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार भूमाफियों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नसुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट, आज की आवाज।